मॉर्निंग बच्चों, क्लास फिफ्थ। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। पीछे हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाएंगे। संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उसके गुणों के बारे में बताएंगे, वो क्या? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हुआ मीठा, ठीक है, 4 केजी चीनी, या 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, आदि। जैसे हम बोलते हैं कि यह आम मीठा है, तो आम का मीठा होना उसकी क्या है? विशेषता है। फिर हम बोलते हैं कि यह 4 किलो चीनी दे दो, तो चीनी हमें 4 किलो लेनी है, तो यह उसकी माप हो गई। हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यह भी उसकी माप हो गई। तो आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 है संकेतवाचक, या इसे एक और नाम देते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कब होता है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, उसकी विशेषता बताए जो शब्द, वो किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी उसका गुण, उसका दोष, उसका आकार, उसका रंग, उसका रूप आदि के बारे में बताए, वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। यानी जिससे हमें उसके गुणों की जानकारी प्राप्त हो। जैसे कि राम सुंदर लड़का है, तो इसमें सुंदर है जो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, यानी राम एक सुंदर लड़का है, सुंदरता उसमें क्या है? गुण है। तो ये क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण आएगा। जैसे यह आम मीठा है, वह बूढ़ा आदमी जा रहा है, आदि। इसमें मीठा, बूढ़ा आदि क्या आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। फिर है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए, वहाँ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि राम 4 किलो सेब लाया, तो इसमें ये 4 किलो क्या है? संख्या है। तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है।
फिर आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का क्या अर्थ होता है? नाप तोल। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल की विशेषता बताए, यानी जिस शब्द का प्रयोग हम नाप तोल के लिए करते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में होगा। जैसे नेहा 4 लीटर दूध लेकर आना, कि नेहा की मम्मी उसे बोल रही है कि नेहा आज 4 लीटर दूध लेकर आना, तो ये गिन नहीं सकते, 4 लीटर है, गिना नहीं जा सकता, इसको नाप तोल सकते हैं। जो नाप तोल की चीज़ होती है वो किस में आएगी? परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। ठीक है, जिसे नापा या तोला या मापा जा सके। ठीक है, जैसे मुझे 2 केजी चावल चाहिए, अब चावल 2 किलो चावल है तो उनको हम गिन तो नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं, तो ये किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। आगे है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेत, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, संकेत यानी इशारा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करने के लिए, उनके शब्दों को संकेत में बताने के लिए प्रयोग में होता है, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण जो संकेत करे या इशारा करे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह घर सीता का है, तो एक दोस्त अपने दोस्त को इशारा करके बता रहा है कि यह जो घर है यह सीता का है, तो यह शब्द इसमें क्या आएगा? संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो यह शब्द संकेतवाचक में आएगा। एक और उदाहरण देखो, जैसे वह कुत्ता राम का है, तो यहाँ कुत्ते की तरफ इशारा करें कि वह कुत्ता राम का है, तो इसमें वह शब्द क्या आएगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में आएगा। कि हमें एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हमें वाक्य दिया होता है कि राम अच्छा लड़का है, तो हमसे पूछा जाए कि इस शब्द में से संज्ञा और विशेषण शब्द को छांटो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे कि संज्ञा, तो संज्ञा शब्द यहाँ पे क्या है? राम और लड़का, तो इसमें संज्ञा शब्द आ जाएगा राम लड़का, और विशेषण आएगा अच्छा। जैसे एक और उदाहरण है कि हमसे पूछा जाए कि यह पुस्तक राम की है, तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम क्या आएगा? सर्वनाम नहीं है, संज्ञा और विशेषण आएगा, संज्ञा आएगा पुस्तक और राम, विशेषण क्या आएगा? यह है। यह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक या संकेतवाचक। आगे है राम और श्याम 2 भाई हैं, वह रोजाना विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब संज्ञा और हमें सर्वनाम शब्द छांटना है, तो संज्ञा क्या होगा? राम और श्याम, राम और श्याम, और सर्वनाम शब्द क्या होगा? वह, सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? वह। ठीक है, तो अब हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए हमें परिभाषा और भेदों का थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो हमारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण 3 टॉपिक व्याकरण के कंप्लीट हो गए। ठीक है।